देखिए भाई, क्वेश्चन दिया गया है सॉल्व फॉर एक्स, 9x² - 6px + ब्रैकेट में p² - qx² ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ये भाई एक इक्वेशन दी गई है हमें, इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए भाई, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने लिख लिया है क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स इक्वल टू -b + -√b² - 4ac/2a होता है। तो अब हमें इस फार्मूले में ए बी सी की वैल्यू चाहिए होगी रखने के लिए। तो ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करा के ए बी सी की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, फिर ये वैल्यू ए बी सी की वैल्यू इस फार्मूले में रख देंगे आकर के। तो चलिए इस इक्वेशन की कंपेयर पहले कराते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ये इक्वेशन हमने लिख ली है, इसकी कंपेयर करा देंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, जो ए की वैल्यू हो जाएगी वो 9 हो जाएगी, बी की वैल्यू -6p हो जाएगी, और सी की वैल्यू p² - q² हो जाएगी। ये ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, बाकी ये रफ वर्क हटा देते हैं। अब हमने ए बी सी की वैल्यू पता कर ली है, इन ए बी सी की वैल्यू को उठाएंगे इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में रख देंगे आकर के। तो चलिए, ए की जगह पर 9 और बी की जगह पर यहाँ पर -6p और सी की जगह पर p² - q² रख लेते हैं। ये हमने ये सभी वैल्यूज रख दी हैं इस फार्मूले में ए बी सी की। तो चलिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये माइनस और ये माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं, -6p का जब स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, तो ये 36p² हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, 4 9 36 हो जाएगा, 36 की जब अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तब यहाँ पर -36p² हो जाएगा। फिर जब इस वाले -q से जब मल्टीप्लाई करा देंगे -36 की, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +36q² आ जाएगा। और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के लिख लेंगे यहाँ पर से 2 9 18। तो चलिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके नीचे लिख लेते हैं। ये हमने करके लिख लिया है भाई, यहाँ पर से ये प्लस हो जाएगा, इस प्रकार ये यहाँ पर से हमने करके लिख लिया है। अब इस इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं, जो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। इधर हम लोग अंडर रूट के अंदर देख रहे हैं, इधर ये 36p² प्लस का और इधर आगे लिखा है माइनस का 36p², इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। अब जो बचा है उसे लिख लेते हैं यहाँ पर से, जो भाई बचा था इस इक्वेशन में वही हमने नीचे नोट डाउन कर लिया है। इधर अंडर रूट के अंदर हम लोग देख रहे हैं 36q² लिखा है, ये जो 36 है ये 6 का स्क्वायर लिखा है, इसे हम लोग 6q का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, यहाँ नीचे हमने लिख लिया, ये स्क्वायर है इस अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तब यहाँ पर जो बचेगा 6p + -6q बचेगा अपॉन 18 बचेगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से 6 6 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग कॉमन लेकर लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया है कॉमन लेकर के। अब हम लोग देख रहे हैं, ये जो 6 है इस 18 को 3 टाइम में कैंसिल आउट कर देगा, तो कैंसिल आउट करके लिख लेते हैं। तो अब x इक्वल टू जो बचेगा यहाँ पर p + -q/3 बचा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे एक बार प्लस के साइन के साथ लिख लेंगे इस वैल्यू को, एक बार इस वैल्यू को माइनस के साइन के साथ में लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, पहले x के वैल्यू प्लस साइन के साथ में, तो ये हो जाएगा p + q/3। अब इसे माइनस साइन के साथ में लिख लेंगे, x की वैल्यू x इजिकल टू p - q/3। तो ये x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, जो कि इस इक्वेशन में कह रहा था कि x की वैल्यू के लिए इसे सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमने 2 फाइंड कर ली है, फर्स्ट है p + q/3, सेकेंड है p - q/3। तो ये क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।